श्री हरि बोल, श्री हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। एक प्रभु के अनेक नाम, प्रेम से बोलो जय जय राम। हरे नाम में सब भूल जाओ, निस्दिन हर पल हरि गुण गा। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। वृंदावन बिहारी लाल के, गीता माता के, सद्गुरुनाथ महाराज के, नमः पार्वती पते हर हर। यथेच्छेसि तथा कुरु, तुम जैसे चाहते हो वैसे करो। एक स्वतंत्र अर्थात जीव की जो स्वतंत्रता है वो दिया। हमारे वेदांत के सिद्धांत में जीव की जो स्वतंत्रता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। गुरुदेव इंग्लिश में बड़ा सुंदर कहते हैं, व्हाट यू हैव गॉट इट इज हिज गिफ्ट एंड व्हाट यू गिव, व्हाट यू हैव गॉट इज योर गिफ्ट। जो आपने प्राप्त किया उनसे वो उनके प्रेजेंटेशन है, गिफ्ट है, और उसको लेकर के आपने जो दिया वो आपका गिफ्ट है भगवान। अर्थात सिंपल भाषा, व्हाट यू गेट इज प्रारब्ध, व्हाट यू गिव इज योर पुरुषार्थ, या व्हाट यू गेट इज प्रारब्ध एंड हाउ यू फेस इट इज पुरुषार्थ। क्या आपको मिल रहा है वो प्रारब्ध है, उसको आप कैसे सम्मुखीन कर रहे हो वो पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ किस ढंग से करना है, वेदांत कहते हैं स्वतंत्र हो। यथेच्छेसि तथा कुरु के अर्थ में तुम स्वतंत्र, जैसे कहानी में कहते हैं ना, एक टी पॉइंट है, या तो तुम स्वर्ग की तरफ जाओ या तो तुम नरक की तरफ जाओ। हालांकि वहां कथा में टी पॉइंट में अकॉर्डिंग टू योर कर्म आपको जाना पड़े, तो कर्म भी इसी जन्म में जो किया है, अच्छा कर्म किया तो टी पॉइंट से पुण्य जाओगे स्वर्ग जाओगे, बुरा कर्म किया तो नरक। यथेच्छेसि तथा स्वतंत्रता भगवान यही दिखाते। देखो अर्जुन ने सुना और क्या परिवर्तन हुआ बताएंगे, धृतराष्ट्र भी सुना परिवर्तन हुआ ही नहीं। संजय सुना, बस उन्होंने एक अपना स्वधर्म पालन किया कि मुझे जो वर मिला मैं सुन करके बताऊं। और हनुमान जो सुनते हैं वो उनके लिए एक खेल, ज्ञान है फिर भी सुन दो। चार प्रकार के,
स्टैटिक में हम लोगों ने देखा धृतराष्ट्र टाइप, अर्जुन टाइप, संजय टाइप और हनुमान टाइप। बनना है हमें हनुमान टाइप। हम है किसमें, अभी किसमें है? अर्जुन टाइप, वेरी गुड। मैंने सोचा था मैंने ऐसे नहीं सोचा था, मैंने आपको संजय टाइप सोचा था। बच्चे ने कहा दरिद्र था अर्जुन, तो धृतराष्ट्र टाइप उसको कहते हैं जो आसक्त में पड़ता है। ये न राष्ट्रम धृतम, पकड़ करके बैठता, वो है धृतराष्ट्र, आसक्त अटैचमेंट। अर्जुन है करने के बाद करिष्य वचनम तव, सुनने के बाद अज्ञान नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया और ज्ञान प्राप्त कर लिया, समर्पण कर लिया, फिर कहते हैं करिष्य वचनम तव। ये जो लास्ट पैकेज दे रहे हैं, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। लास्ट आज देखा जाए प्रवचन लास्ट है, क्योंकि अभी डिक्लेयर किया है इसलिए और दो दिन बढ़ाना पड़े, अदरवाइज आज लास्ट। बाकी तो प्रशंसा है, अर्जुन भी बोल रहे हैं, वो भी जरूरी है। इसलिए खुद ही कहते हैं मैं अभी तुमसे गुह्यतम बताने वाला। पहले तो कहते हैं कि जैसे तुम करना चाहते हो करो, भगवान अंतर्यामी है और बाहर से भी देख लेते हैं उसके मुंह के पर। अर्जुन के अंदर जिज्ञासा है, भावना है, कृतज्ञता भाव है, भागने की भाव नहीं है। यशेष से तथा कुरु से कह भी सकता, मैं जा रहा हूं, आपको काम खाम प्रवचन दे रहे, मैं जा रहा हूं, मना भी कर सकते थे, तो भगवान पिघल गए थे, सोचा कि बोल चुके हैं, फिर दो श्लोक में बताना चाहते। वो दो श्लोक कौन सा है पता है? वो है 64 and 65 and 66। बस ये दो बढ़िया श्लोक। 64 में वो प्रतिज्ञा करें, मैं अभी क्या बताना चाहता हूं। जो रियली दो श्लोक है वो टॉप सारांश है, ऑलरेडी गीता में बता भी चुके हैं अलग अलग अध्याय में, और एक श्लोक तो बहुत ही बढ़िया है 66 सर्वधर्मन, यही है, इसी के लिए कह रहे हैं, इसी श्लोक के लिए कह रहे हैं कि मैं अभी बताना चाहता हूं। चलिए 64 63 में यथाच्छे से तथा कुरु कहने के बाद भगवान ने अर्जुन की मनस्थिति को जाना। भक्तों से मैं सखे चेति रहस्यम हेतदुत्तमम, तब भगवान 64 से शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच, शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्व गुह्यतमं परमं मे वचः भूयः शृणु, फिर तुम एक बार सर्व गुह्यतम वचन सुनो। आप हम होते तो बोलते अच्छा है फिर शुरू करोगे आप सेकंड शो गीता, तो नहीं नहीं नहीं, अर्जुन जानते हैं कि अभी शॉर्टकट करके भगवान समापन करेंगे फिर बोलेंगे युद्ध करो। ये दो श्लोक के लिए कह रहे हैं, ये जो दो श्लोक अभी भगवान बताने वाले हैं उसके लिए भगवान कह रहे हैं सर्व गुह्यतमम। अब सर्व गुह्यतमम कैसे है वो हम लोग उस समय देखेंगे श्लोक का, थोड़ा सा भी सोच ले। एक एक गुह्य, एक एक गुह्यतर और एक एक गुह्यतम। गुह्य मतलब क्या है? गोपनीय। गुह्यतर अत्यंत गोपनीय, कंपैरेटिव डिग्री। गुह्यतम सुपरलेटिव डिग्री। अब नवम अध्याय में जाओ। अच्छा नवम अध्याय का नाम क्या है?
राज विद्या, देखो राज गुह्य योग नाम, गुह्य करो उसमें भी है नवम अध्याय में, पढ़ो नंबर वन वाला, नंबर टू वाला, इदम तो ते गुह्य तमम, देखा नवम अध्याय के नंबर वन से, इदम तो ते गुह्य तमम प्रवक्षामि अनसूयरे, मैं तुझे ये बता रहा हूं, फिर गुह्यतम राज विद्या राज गुह्यम, फिर दो बार गुह्य है, ठीक है। फिर चलिए कहां जाए, पंद्रह अध्याय के बीस नंबर से, पंद्रह अध्याय चलिए, पंद्रह अध्याय के बीस नंबर से क्या लिखा हुआ, इति गुह्यतमम शास्त्रम, इधर शास्त्रम माने वाक्यम प्रवचनम उपदेशम, पंद्रह अध्याय के बीस नंबर, इति गुह्यतमम शास्त्रम, देखा जो पढ़े हैं ना उसको फिर अवलोकन करेंगे, सिंहावलोकन बोलते, सिंह पीछे मुड़कर देखता है उसका आनंद और आता है। तो ये जो गुह्यतम है इसको मैं तुझे बताने वाला हूं, क्या ज्ञान, गुह्य है कर्म, गुह्यतर उपासना और गुह्यतम ज्ञान, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम कर्म उपासना और ज्ञान, ये ज्ञान गुह्यतम मैं तुझे बताने वाला हूं, सुनो भूय, आप तो बता चुके हैं, मैं भूय और एक बार जब बताओगे तब ये रिपीटेशन नहीं होगा, बोल नहीं, रिपीटेशन शास्त्र के छह लक्षण में से आता है, उसको क्या कहते हैं रिपीटेशन, मैं तो इंग्लिश में कह रहा हूं, रिपीटेशन जो इंग्लिश में है जो सड़लिंग में आते उसमें से, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कौन बोला, वेरी गुड अभ्यास, स्वामी जी बाकी मत पूछना, याद है ना, सड़लिंग उपक्रम उपसंहार एक, दो हो गया अभ्यास, फिर बोलो इधर उधर के शब्द बोल देते, डॉक्टर प्रेम सिंगला नहीं, उपक्रम उपसंहार एक अभ्यास दो, उपपत्ति तीन, तर्क अर्थवाद चार, अपूर्वता पांच, एंड लास्ट वाला क्या है, फल, अभी चार पांच दिन पहले बोला, इसको बोलते हैं छह लिंग, ठीक है, बहुत बार बोल चुके, उपक्रम उपसंहार, उपक्रम उपसंहार वो लिखा होगा जरूर, फिर लिखो, हाँ लिखा है, लिखो उपक्रम उपसंहार अभ्यास उपपत्ति अर्थवाद अपूर्वता फल, ये छह को लेकर के शास्त्र के गठन होता है, किसी भी शास्त्र में ये जरूर रहता है। तो अभ्यास है बार बार बताना, कोई डीमेरिट नहीं है, तो भगवान कहते भूय और एक बार, तो ये अभ्यास, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो दुस्तर है, दुस्तर माने सर्वदुर्गाण है, कठिन है, इसलिए अभ्यास होता है। इष्टो सिमे दृढ़ इति, इष्ट माने प्रिय, देखा इसलिए हम लोग यूज करते हैं ना इष्ट देवता, आया ना शब्द, इष्ट माने प्रिय, तो जो हमारे प्रिय है ना, व्हाट यू लाइक, बफे सिस्टम है, बहुत आइटम्स है, तो आपके प्लेन ज्यादा कहाँ चला जाता है, दो तीन बार जा रहा है तो जानना कि इष्ट है, पनीर में जाता है तो जानना कि इष्ट है, प्रिय है, व्हाट यू लाइक प्रिय इष्ट, ये मुझे प्रिय है, ये जो सर्वगुह्यतम
जो ज्ञान है, तिष्ठो असि मे दृढ़मिति, ये अत्यंत प्रिय है। ठीक है, बक्षामि ते हितम, ये तुम्हारे हित की बात बता रहा। अच्छा, पहले भी बताया ना, हाँ ये शब्द बता सकते हैं, ये थोड़ा कठिन हो जाए। हित शब्द हित काम्य या प्रिय माना है, कहां पर बताया, कौन सा अध्याय बताया, ऐसे पूछोगे तो कैसे होगा। नहीं, कोई नहीं बता सकता है? बताओ कौन सा अध्याय है, सांख्य योग में? नहीं, बताओ श्लोक सांख्य योग में कौन सा है। ये लोग ना यही करते हैं, मेरी भगवान कहते हैं सब मुझे समर्पण करके करो, ये सब उल्टा पुलटा छोड़ देते। कौन से गीता में कहा गया, कौन से श्लोक पता नहीं। अब निकालो दसम अध्याय के पहला नंबर श्लोक, मजा है ना एक्सरसाइज। अब मैं जो ये हो गया फर्स्ट मेथड, फर्स्ट प्रोसीजर, कल मैं एसके और मिल के घर गया था, दिनेश साथ में थे और डॉक्टर राज शशि को आना था, मुझे जल्दी खा के यहाँ आना है, बहुत कुछ काम है, तो मैं मेन कोर्स कर रहा था, आए फिर मेरा खत्म हो गया, वो प्लेट में था, डॉक्टर राज को मैं पूछ रहा था क्या ये कौन सा वाला कोर्स है, 1 2 3 4 देन टेबल में आप जाएंगे फिफ्थ में। तो इसी प्रकार हमारा जो गीता है ना, ये कोर्स चल रहा है, ये एक सिस्टम प्रवचन। सेकंड सिस्टम में क्या होगा, मैं बोलूंगा 2 दिन, आप बोलोगे 3 दिन या 4 दिन, ठीक है। थर्ड सिस्टम में क्या होगा, टेक्निकल वार्ड, ऐसे जैसे प्रिय मान आए गुई है तमाम, ये इस प्रकार के चिंतन करें। फोर्थ सिस्टम में क्या होगा, 18 अध्याय से लेके, हाँ उल्टा, अरे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इधर से तो गा रहे हैं, इधर से भी गा रहे हैं, याद है ऐसे गीता, ग्रेट। अब दसम अध्याय के एक नंबर श्लोक देखो तो भूय, अरे यहां पर भी भूय, भूय मैंने क्या है, फिर देखो नवम अध्याय खत्म तक भी भगवान भूय कह रहे, और 18 अध्याय के कहना तो प्रासंगिक लगता है कि इतना बता चुके हैं, इसलिए भूय। और एक बार एव हि महाबाहो श्रुणु मे परमं वच, बार बार कहते सुनो, श्रुणु मे परमं वच, क्या यत्ते हम प्रियमाणाय, ये बहुत ही प्रिय है, वहां जो इष्ट कहा गया ना यहाँ पर प्रिय कहा गया, एक ही अर्थ प्रिय। देन देखना वहां पर क्या कहा गया है, हित, और अभी क्या कहा है, बक्षामि हित काम्य, मैं कह रहा हूं तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे हित की कामना करके, तुम्हारे हित की इच्छा से, तुम्हारे हित फॉर द पर्पस बोलते हैं ना इंग्लिश में, बोलते फॉर द सेक ऑफ, काम्य या हित काम्य मैंने फॉर द सेक ऑफ योर बेनिफिट, हित काम्य या, कितना सुंदर, जब जोड़ोगे ना तब मजा आता। मैं बोल रहा हूं बक्ष्यामि ते हितम, और यहां पर दसम में क्या बताया, बक्ष्यामि हित काम्यया, ठीक अभी क्या है बताइए ना, फिर वचन ऐसे तू सुन मुझ ले मुझसे वो रहस्य कोई जिससे बढ़कर न हो, अर्जुन बहुत प्यारा है तू कहता हूं हित, हित में तेरे लिए मैं कहता हूं, इसलिए हित के लिए तेरे लिए मैं बता रहा हूं। चलिए 65 क्या हित में है बता रहे, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, इस श्लोक को याद कर लेना चाहिए। 65 66 सबको याद है ना,
और एक बार एक कोर्स वाला कर सकते हैं, चार कोर्स, वो जो पीछे वाला वाला के बाद में कर सकते हैं। क्या कोई भी श्लोक में पूछूंगा वो आपको देख के बोलूंगा, डरना नहीं, सुनते ही मंजू कैसे लग रहा, वाह वाह देख गए देख क्यों, कोई भी कभी भी अभी नहीं कोर्स, ठीक है, कोई भी श्लोक उसके ऊपर बोलो, क्लियर। और एक बार क्या करें, समझ आप करते ही रहोगे क्या, और करना क्या, जो यही रहना है, यही प्रवचन देना है, ये करते हैं ना, अलग अलग क्या लॉटरी निकालेंगे। 11-2 माने 11 अध्याय का 2 नंबर से, 18 अध्याय का 66 ऐसे करके 15 रखेंगे, जो निकला उसके बारे में बोलेंगे, मजा है ना। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्या, सर्वधर्म कोई एक श्लोक चयन किया उसको आप एक्टिंग करो, हाँ सर्वधर्म मैंने बोलना नहीं चाहिए आपको, हम लोगों का कॉन्फ्रेंस मना इसे हुआ था ब्रह्मचर्य कॉन्फ्रेंस, सर्वधर्मान परित्यज्य ऐसे, फिर एक फिर वही उठ जाता है, मामेकम शरणम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासु, अर्थात किसी न किसी बहाने आप गीता के साथ भगवान के साथ जुड़े रहो। प्रसिद्ध श्लोक है, मन्मना भव भक्तः मद्याजीवां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे मन मना। पहले सिंपल अर्थ समझ ले, मन मना अर्थात जिसका मन मुझ में, मन मना मत भक्त जो मेरा भक्त है, मध्या जी मेरे लिए जो अर्चना करता है पूजा करता है, आज्य पूजा करना अर्चना करना, भव बनो, माम नमस्कुर जो मुझे ही नमस्कार करता, माम एव यश्यसि मुझे ही प्राप्त करता है, यश्यसि प्राप्त करता ये लक्ष्य है। और चार साधना बताई, क्या मन मुझ में रहना चाहिए, मेरा भक्त होना चाहिए और मुझे ही अर्चना करना चाहिए और मुझे समर्पण करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। ते सत्यम प्रति जाने, जानो ये मैं सत्य बोल रहा है, ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं, प्रति जाने वाला प्रतिज्ञा कर रहा, क्यों अगेन तुम मेरे प्रिय हो। सोचो तो भगवान अर्जुन कितना प्यार करते हैं, ये प्रमाण है, जानते हैं ये वर्ल्ड के किताब बनने वाला है, सारे दुनिया इस किताब को सम्मान करेंगे, भारत में तो इसको ही लेकर के हिंदू कहेगा कि जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, भगवान जानते हैं, फिर भी अर्जुन की इतने प्रशंसा की, अर्थात अर्जुन अधिकारी बार बार भक्तो सिमे सखा चेति रहस्यम हेत तमम, फिर दसम अध्याय प्रियमाणाय हित काम्य, फिर अभी तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं, प्रिय के लिए बताऊ, इष्ट मैं जो बोल रहा हूं वो इष्ट है प्रिय है, और अभी क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, ये बात दोहरा रहे, कोई चीज अगर डबल बार दोहरा रहे तो जानना के सत्य है प्रतिज्ञा। अच्छा ये जो श्लोक है ना, ये गीता के 9 अध्याय के 34 नंबर में जाओ, गीता के 9 अध्याय के 34 नंबर में जाओ, 34 लास्ट, मन्मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। अरे ऊपर वाला सेम है, देखा आप लोग देखने के बाद ना आपका जो मुंह है ना वो कमल फूल जैसा खिल गया, सेम है,
देखो गीता में जब इंटरेस्ट लोगे, भक्ति करोगे, अच्छा लगेगा ऐसे ही पढ़ने में। फिर नीचे वाला देखो, मामे वैश्यसी युक्ति एवं, मामे वैश्यसी है युक्ति एवं न करके सत्यम ते प्रति जाने। फिर आत्मान मत्परायण, इसमें अपने आत्मा को मुझे जो श्रेष्ठ मानने वाला वो न बोल करके अर्जुन तुम मेरे प्रिय हो, डायरेक्ट अर्जुन के लिए शॉर्ट है, ठीक है। अच्छा कौन प्रिय है? भक्त। कैसा भक्त है आपने बताया ना, सातवां अध्याय के 17 नंबर जाइए, सातवां अध्याय के 17 नंबर जाइए, जानने से क्या होगा पता चलेगा। 16 नंबर में क्या कहते हैं भक्त कितने प्रकार है, 16 नंबर, 7-16, तेषां चतुर्विधा भजन्ते मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञान नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशेष्यते। प्रियो ही ज्ञानिनोऽप्यर्थः, ज्ञानी मेरे प्रिय है, अहम् सच मम प्रियः, वो मेरे प्रिय है। और या प्रियो ही ज्ञानी न, ज्ञानी बहुत ही प्रिय है इसमें से, क्योंकि एक भक्तिर विशेष्यते, ज्ञानी के पास एक भक्ति है। यही सर्वगुह्यतम शास्त्र जो मैंने पहले बताया और अभी तुमको बता रहा हूं, ठीक है। मन मना, देखो भगवान कृष्ण अर्जुन को कितना प्यार करते हैं, श्री दुर्योधन भी शिकार कर, दुर्योधन महाभारत में कहते हैं कृष्णस्य धारा अर्जुन, माने कृष्ण की जो धारा है, कृष्ण के जो भाव है, कृष्ण के जो धारा माने क्या पानी उस तरफ बहती है, तो कृष्ण का जो मन है, कृष्ण के जो प्रवाह है, कृष्ण जो भी कुछ करते वो अर्जुन को सोच करके करते। कृष्णस्य धारा अर्जुन, अर्जुनस्य आत्मा कृष्ण, ये महाभारत में कोई नहीं, कौन बोल रहा है, दुर्योधन अपोजिट पार्टी वाला बोल रहा है, कहते हैं अर्जुनस्य आत्मा, अर्जुन के आत्मा कौन है, कृष्ण। कृष्ण बोलेंगे उठ, उठेंगे, कृष्ण बोलेंगे बैठ, बैठेंगे। कृष्ण का अर्जुन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अर्जुन पूर्ण रूप में तन्मय था। जैसे हम कल रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ के बारे में बता रहे थे, पूरन चंद्र सिंह उन्होंने कितना राम राम देखा, अब ये अर्जुन के लिए बहुत सुंदर कहानी। नारद जी देखा, भगवान के दर्शन करने के लिए बीच बीच में आते थे, तो ये नारद जी पार्ट ना एक कोई कलाकार है, वो 25 फिल्म में नारद जी बने, वो भी शायद निधन हो गया, क्या पूरा नाम है, नहीं नहीं पेंट गुफी हो तो शकुनी वाला है वो, हाँ लग रहा है ये जीवन करेक्ट। अलग अलग पिक्चर में भी विलियम के साथ रहते हैं, मगर यहाँ पर नारद जी का वही हो क्या, वो कहते हैं उनके जो भाव है, उनके जो व्यवहार में भी प्रकट हो जाता। तो 25 फिल्म में करोगे तो वही शब्द वही है व्यवहार होगा ना। तो नारद जी परम भक्त है भगवान के, घूमते घूमते आए द्वारका दर्शन करने के लिए, सुना कि हस्तिनापुर चले गए, उनको लगा हस्तिनापुर चले गए, चलो मैं भी चलता हूं। हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर से मिले, कुंती बुआ से मिले, कृष्ण का है अर्जुन के साथ इवनिंग वॉक में गए, तो लगा नारद जी सचमुच लगा क्या बात है, द्वारका को दर्शन करने के लिए सब ऋषि लोग आते हैं, ये द्वारका से अलग हो गए, हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर में भी कृष्ण के कारण सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, देखा तो अर्जुन को लेकर चले गए, ये अर्जुन को इतना प्यार करने का क्या जरूरत, उनके मन में आया। जो भी आप मन में करोगे ना वो सीसीटीवी में भगवान के पास चला जाता है, भगवान जान लेते, अंतर्यामी है भगवान का। अच्छा
संध्या के समय थोड़ा देरी में आए। हाँ नारद जी देखे खुश हो गए, अर्जुन तो थका मंदा था, कृष्ण का कि मैं जा रहा हूँ, चले अपने भवन। सुनने लगे इधर नारद को लगा ये क्या बात है, अर्जुन ने इतना सम्मान नहीं दिया, बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो कृष्ण ने क्या क्या, आप अभी आज मत जाइए, मैं चाह रहा हूँ जब आप आए हो और ये पांडव लोगों के लिए ज्ञान जरूरत है, कल आप मेडिटेशन क्लास थोड़ा सा लीजिए सवेरे 4, हमारे गुरुदेव जी से मेडिटेशन क्लास 5 बजे कर लेते, 4 बजे लीजिए कल, ठीक है, तो आप इसे करें, मैं सबको खबर दे और मेरे भवन में भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण ने खबर दिया, सबको खबर दिया एक्सेप्ट अर्जुन। तो सब लोग बैठ गए, कृष्ण बैठ गए, रुकुण बैठ गए, युधिष्ठिर, कुंती, बुआ, ये सब लोग आकर के बैठे हैं, और नारद जी पंडल में प्रवचन में आएंगे, उनके तो मन में है अर्जुन के बारे में थोड़ा सा भावना, देखा कि नहीं आया तो सोचा कि डांटने के लिए मौका मिल गया। जब आप किसी के प्रति होता है ना, तो जो होता था तो डांटने के लिए मौका मिल गया, तो नारद जी ने डांटने के लिए सोचा, तो कृष्ण को पूछा अर्जुन भगवान तो नाटक करने में तो माहिर है, बचपन से ही करके आ रहे हैं, बोले धीरे मैं सबको बोला उसको भूल गया बोलने के लिए, अगर मैं जाऊं ना नारद जी वो मेरे ऊपर बिगड़े, बोले मुझे खबर नहीं दिया, अभी है आया, मैंने रेडी नहीं हुआ, मैंने वॉश के नहीं किया, बाथरूम भी नहीं गया, आई कैन नॉट कम टू मेडिटेट, इंग्लिश में ही बोलेगा वो, तो इसीलिए अभी क्या है आप जाइए, आपको गुस्सा नहीं करेगा। नारद जी जब गए हैं, अर्जुन सोए हुए हैं और एक आवाज आ रही है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नारद जी ने सोचा अर्जुन इज वेरी हाई मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी का लड़का है, शायद कहीं पर साउंड बॉक्स रखा होगा, और कृष्णा कृष्णा होता है ना, एक छोटा सा बॉक्स होता है, और कृष्णा कृष्णा आता है, एक छोटा सा बॉक्स 500-1000 रुपए का मिल जाता, वो हमेशा ही चलता रहता, वो ढूंढ रहे, देखा कि नहीं अर्जुन से, तब जब उन्होंने देखा सुना कि अर्जुन सोए हैं और रोम रोम से क्या आ रहा है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, प्रणाम किया और कहा कि भगवान ये मेडिटेशन क्लास तो बहाना है मुझे सिखाने के लिए, अपने दिखाने के लिए, मुझे अनुभव कराने के लिए कि अर्जुन कितना भक्त है आपका, और अर्जुन और कृष्ण ये दोनों ही आत्मा है, नर और नारायण, ये बताने के लिए मुझे समझ में आया। ऐसे अर्जुन, कृष्ण से आत्मा अर्जुन, अर्जुन से आत्मा कृष्ण, इसलिए भगवान कहते हैं तो अर्जुन खुद मन मना मत भक्त, जिसकी जो मन है ना मुझ में लग गया है, तीन चीजें बता रहे, चार ना, चार, जिसके मन मुझ में लग गया है, जो मेरा भक्त है, जो भी कर्म करता है समर्पण करता है और मुझ में ही नमस्कार करता है। मन मना का अर्थ क्या ना, याद करता है। वेदांत में एक एग्जांपल देते हैं, कीट भ्रमर न्याय, कीट भ्रमर न्याय का अर्थ क्या है, कीड़ा भौरे को याद करता है और क्या बन जाता है, कीड़ा भौरा बन जाता है। आत्मबोध में है, विवेक चूड़ामणि में है, उपनिषद में है, वहीं से लाए। जीवात्मा ब्रह्म को चिंतन करके ब्रह्म संपद देते ब्रह्म को प्राप्त करता है। कैसे कहानी है, एक जो घोड़ा है वो घूमते घूमते कोई एक कीड़ा को पकड़ लेता है, एक डंक मार देता है चोट, फिर उसको पकड़ करके अपने जो मिट्टी के बनाए हुए घर है उसको डाल देता है और फिर अपने सूंड से मिट्टी को बंद कर देता है, बाहर नहीं आ सकता, फिर अपने दूसरे शिकार करने के लिए घूम रहा। ये जो कीड़ा है क्योंकि एक डंक खाया है चोट, अभी उसको याद कर रहा, क्या भौरा आएगा मुझे मारेगा, भौरा आएगा, भौरा आएगा, भौरा आएगा, ये भौरा आएगा आएगा आएगा, सुस्ते सुस्ते वो कीड़ा भी क्या बन जाता है, भौरा बन जाता है। जब भौरा बन जाता है उसके अंदर शक्ति है, तो वो जो मिट्टी जो बंद है गुफा उसको काट देता है, उड़ जाता है। ये सोचो तो उपनिषद के ऋषि जब ध्यान कर रहे होंगे कहीं कीड़ा है मकोड़ा वो देख रहे होंगे, देन उनके मन में श्लोक आ गया, जैसे मुंडक उपनिषद में यथा पूर्ण नाभि मकड़ी के जाल, सृष्टि कैसे करते हैं भगवान,
फिर कैसे लीन होते हैं? उन्हीं से सृष्टि होती है, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। कैसे है? मकड़ी के जाल से, यथा पूर्ण नाभि। मकड़ी जो है वो अपने ही लार से जाल तैयार करता है, बाद में देखता कि विपत्ति है, मुझे यहां से जाना है, वो सब लार को अपने अंदर डाल फिर चला जाता। ऐसे ऋषियों ने देखा, मन मना, ठीक, पूर्ण समर्पण, मन मना। मत भक्त, मेरे ही भक्त हो, मेरे ही भक्त, मत भक्त। सूरदास के लिए एक सुंदर कथा है। सूरदास जी ने एक कृष्ण मंदिर के अंदर घुसने के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए गए, तो पंडा लोग मना किया, कहा कि नहीं, भगवान ने मना किया है तुमको आने के लिए। अच्छा, वो बड़े खुश हो, क्या इसका अर्थ है भगवान जानते हैं कि मैं आ जा रहा। अच्छा, क्यों मना किया? ना तो तुम अंध हो, तुम तो देख नहीं सकते हो, क्या जरूरत है? अच्छा, भगवान ने ये कहा, हाँ, जाके भगवान को ये कह सकते हैं, कह दो क्या, मैं तो अंधा हूं, मैं नहीं देख सकता, भगवान तो मुझे देख सकते हैं ना, भगवान तो अंधे नहीं है। क्या बेटू, याद है ना वो जो छोटा सा बच्चा अंधा था, जो बाद में नाभादास बने, उन्होंने क्या बोला था? मुझे पता था कि कलयुग में और भगवान है ही नहीं, मगर अभी पता चल गया आप दोनों को देख करके कि भगवान है, भगवान ने आपको ही भेजा है। उसकी इतनी श्रद्धा देख करके ना उसको लेके चले, तो ये बात। अच्छा, आगे की और कथा कहते, सूरदास जी ने कहा कि भगवान मुझे देखना नहीं चाहते हैं, मैं अंदर दर्शन नहीं कर सकता हूं, इसका क्या कारण है, पूछ क्या हूं? तो ब्राह्मण गए भगवान को, पूछा, भगवान आपने उसको मना क्यों करते हो ना? अरे, ये जो मेरी जो लीला है ना, अंतर लीला, जैसे रास लीला है, ये सब वर्णन कर देता, कुछ नहीं रखता, मैंने सीक्रेट रिवील कर देता। तो सूरदास को पॉइंट मिल गया, क्या उनको बोलो मुझे और नहीं घुसाएंगे तो मैं और सीक्रेट रिवील करने वाला हूं। भगवान ने कहा कि बेटे इसको ले ले अंदर, इसको कहते हैं परम भक्त। देखा, अर्थात भगवान के साथ आप खेल सकते हो, उनके साथ अभिमान कर सकते हो, उसके बाद गुमान कर सकते हो, उनके साथ आप बातें कर सकते हैं, कंडीशंस करते हो, ये है भगवान। नामदेव छोटे थे, उनके पिताजी ने कहा कि बेटा 3 दिन तक हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुमको क्या करना है? भगवान को खिलाना है, दूध है और दूध में थोड़ा चीनी डाल करके उबाल करके चावल बना देना, यही तो तुम दे सकते हो। बड़े प्यार से उसने दूध को उबाला, चावल डाला, चीनी भी डाला, खीर, और उसको पता भी था जो काजू आदि सब है वो डाल दिया, रखा, भगवान चलो आप खाओ, सिंपल बस आप खाओ। भगवान इतना तो जल्दी, अरे खाओ, आप जल्दी करोगे फिर मेरा अपना काम है, आप खाओगे मैं खाऊंगा, फिर मेरा झाड़ू करना है, कपड़े साफ करना है, कोई है नहीं, दरवाजे भी बंद करना है, खाओ। कहते हैं भगवान खाए नहीं, आए नहीं, तो रोने लगे और कहा कि वो गलती हो जाएगी, अगर आप नहीं खाओगे तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, बोलेगे तुमने भगवान को खिला नहीं पाया। अच्छा, और एक है, आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा? कहते 3 दिन तक पड़े रहे और भगवान को दर्शन दिया, और भगवान ने उनको गोद में बैठाया, खुद खाए और उसको खिलाया। देखो, ये भक्त की भावना, भक्त के महात्म्य, ये कहते हैं मद भक्त। हो गया, तो मद भक्त इस प्रकार के। फिर आगे चलिए, एक नीलंबर दास करके, ये जो भक्तमाल है ना,
अलग अलग चरित्र भक्तों के चरित्र की कथा है। अब मैं इसे बोल रहा हूं ना, किसी ने मुझे तुरंत बोला स्वामी जी आप भक्त मान ले लो ना, मैं हंस के कहा जो हम सिद्धवाड़ी में पढ़ चुके हैं ग्रंथ वो इतने बचे हैं कि ये कितने साल लगेगा। अब जैसे वाक्य वृत्ति है, पंचदशी है, क्या क्या सब ग्रंथ है, तो वो लेंगे जो पढ़ चुके हम, जो किताब चिन्नमी स्थान में उपलब्ध है वो लें, बाकी जो नहीं है उसको अलग अलग क्यों लें। हाँ कोई कैंप है, वेराइटीज लोग आ रहे हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि सब लोग कैंप लेते हैं तो आप थोड़ा सा नए लोग हैं तब एक अलग मजा आए। अदरवाइज रेगुलर में गुरुदेव ने एक स्टडी करने का एक मेथड भी बताया, एक के बाद एक के जो जो लिखा गया ये लेना। इधर उधर के लेने से फिर क्या होगा, लगेगा बहुत पढ़ लिया और कुछ रखा नहीं अंदर, शास्त्रीय ढंग से जाना चाहिए। चलिए एक नीलंबर दास करके भक्त थे, वो एक दिन महाप्रभु भगवान को दर्शन करने के लिए आए, नौका से पार हो रहे थे। ये जो नाविक है उसने सोचा इसके पास बहुत पैसा है इसलिए इसको हम किनारे नहीं लाएंगे, घुमाता ही रहा घुमाता ही रहा घुमाता ही रहा। इधर इनका मन है प्रभु मैं आपके तो दर्शन करने के लिए आया हूं, यमुना तट भगवान कृष्ण के भक्त है, मैं भगवान का दर्शन करने के लिए आया हूं, ये नाविक क्या कर रहा है, आप हो तो आप दर्शन करवा दो ना। तो कहते हैं कि भगवान खुद, ये राम के भक्त थे शायद, भगवान खुद एक युवक है बन करके आए और दूसरा एक नौका में छोटा सा नौका और कहा कि तुम इनको तुरंत मेरे नौका में ले लो भेज दो क्योंकि इनको दर्शन करना है भगवान। और थोड़ा सा तर्क किया तो भगवान ने कहा कि जितना पैसा है वो मैं दे दूंगा, भगवान ने पैसा दिया तो युवक बनकर इसी नौका में आए भगवान खुद। और वो अनुभव कर रहे थे सचमुच ऐसे भगवान ही कर सकते हैं जो विपत्ति से दूर करके, भगवान जो जो युवक नाविक चला रहा था उन्होंने अनुभव किया कि भगवान ही चला रहे भव्य रूप, उन्होंने बहुत स्तुति भी की फिर भगवान का दर्शन किया। ऐसे हैं भक्त। मुझे समर्पण करता है मध्याजी, नमस्कार भी करता। और एक कथा हंसध्वज करके एक राजा थे, देखो ये छोटे छोटे कथा से उन लोगों के भक्त के जो समर्पण है वो समझ में आता। हंसध्वज एक राजा थे, उनका पुत्र का नाम था सुधन्वा, वो हमेशा ही भगवान के चिंतन में रहते थे इसलिए राज कार्य वो नहीं करते थे, कहीं बैठ गए ध्यान कर रहे थे। गुस्से में एक बार राजा ने अपने पुत्र के लिए कठोर दंड का आदेश दे दिया, जैसे प्रहलाद के लिए गरम तेल है और डाल दिया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद बल्कि वो फूल बन गया, तो इसी प्रकार इनको दिया। जब भगवान का ही नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तेल के कढ़ाई में जब डाला गरम है कुछ नहीं हुआ। जब प्रहलाद को आग में रखा गया होलिका के समय, होलिका गोद में, तो कहते हैं पश्य तात, हे तात आप देख लीजिए क्या बन्नी सलिलायते, बन्नी माने आग ठंड हो गई, आग जल जैसा हो गया, सलिलायते जल, ये क्या है राम नाम प्रतापम, भगवान के कुतः भीतः आप क्यों डर रहे, राम नाम प्रतापम देखिए ये भाव। तब पिताजी ने जान लिया सचमुच ये परम भक्त है।
फिर उनको तुरंत उसी समय ही सेना नायक करा दिया। रजत है वो भी पावरफुल थे, कमांडर इन चीफ उसको सुधन्या का महाभारत में कथा है, वही सुधन्या अर्जुन को भी परास्त किया। भगवान कितना परम भक्त था, अर्जुन को परास्त किया था, ये है भक्त के लक्षण। ठीक है, अब भगवान कहते हैं मैं जो तुम्हें सर कहा है सर्व गुह्यतम अर्थ है उसको मैं बता रहा हूं। ये सबसे हाईएस्ट श्लोक है, गीता के संपूर्ण सार के श्लोक। जब भी कोई गीता चैंटिंग करता है, मैंने गीता पारायण करते हैं, हम लोगों ने बहुत किया कोविड के समय गीता पारायण, है ना, लगभग एक महीना में कर लेते थे, फिर पूरा करते थे, एक उसको अध्याय करते थे ऐसे। तो इसको जरूर लास्ट में फिर पढ़ा जाता है, कोई तीन बार पढ़ता है, कौन सा 66 प्रसिद्ध श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान्, धर्म साधारण अर्थ लिखेंगे तो क्या समझेंगे, सब धर्मों को त्याग करे, अर्थात मुसलमान धर्म हिंदू धर्म ये नहीं, वो तो संप्रदाय धारा। धर्म का अर्थ है कर्म, धर्म का अर्थ है बड़ा सुंदर हिंदी में जो कहा गया ना, क्या है धर्म का अर्थ है आरोपित धर्म छोड़ कर तू ये सब एक मेरी ही ले शरण अब, तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा मैं, कर दूंगा मैं, चिंता न कर तू किसी भी तरह, मोक्ष ही श्यामी मां सुच मैं तुमको मोक्ष करा दूंगा, मां सुच तुम शोक मत करो, एकम शरणम ब्रज एक परमात्मा के शरण में जाओ, अर्थात सर्वधर्मान। आचार्य शंकर भी भाष्य में कहते हैं सर्वधर्मान माने सर्व कर्माणी, जो कर्म के प्रति आसक्त हो रहे हो, जो आरोपित धर्म माने क्या, सर्वधर्मान माने आरोपित धर्म, इसको वेदांत के डायरेक्ट शब्द में देख लो, क्या आरोपित धर्म ना, मैं अपने आप को कुछ अन्यथा रूपों में सोच लिया, क्या अन्यथा रूपों, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये जो आइडेंटिफाइड पर्सनालिटी समझ दिया वो ही अनेक धर्म है, उसको त्याग करो। क्यों अभी तुम्हें समस्या क्यों हो रही युद्ध, क्योंकि तुम मारोगे मैं मरूंगा मैं मारूंगा, ये जो धर्म तुमने अपने आप को ले लिया है यही ही दुख का कारण है, इसको छोड़ो। तो धर्म का अर्थ है आरोपित कर्म, धर्म का अर्थ है आरोपित धर्म, जो अपने आप को तुमने सोच लिया है समस्त कर्माणि के पीछे रह रहे हो, मैं ये करूंगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, ये संसार ही तुम्हारे लिए आरोपित धर्म है, उसको छोड़ दो, एक पूर्ण समर्पण कर, अहम तो सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखा जाए तो भगवान शंकराचार्य इसी श्लोक में अपने भाष्य बंद किया और नहीं किया, हो गया होगा। और भगवान शंकराचार्य द्वितीय अध्याय के 11 नंबर श्लोक में भाष्य शुरू किया था, प्रथम अध्याय उन्होंने भाष्य किया ही नहीं और 1 से 10 तक भी किया नहीं, क्यों, उन्होंने कहा यही श्लोक स्टार्टिंग उपदेश है भगवान का देखना, और लास्ट है सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मा शुचः। पहला 2 अध्याय का, 2रा अध्याय का 11 नंबर श्लोक, अश्वच्चान न शोचस्तम प्रज्ञावादस्य भाषसे गताशो न गताशुश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः, द्वितीय अध्याय के 11 नंबर 2:11। अश्वच्चान जो शोक नहीं करना चाहिए, अश्वच्चान मा शुचः, ये वाला लास्ट 18:66, अर्थात 2:11 का पहला शब्द और 18:66 का लास्ट शब्द को जोड़ दो, जो शोक नहीं करना योग्य
उसके ऊपर तुम शोक मत करो। किसको कहते हैं? बलय न्याय, कड़ाई होती है ना, बड़े बड़े कड़ाई जो हलवा बनता है हमारे पंजाब में अमृतसर में, तो उस कड़ाई को पकड़ने के लिए जो बलय होता है उसको क्या बोलते हैं? कड़ाई हैंडल, ठीक है हैंडल, इसलिए संस्कृत में बलय, कुंडे। अच्छा, जो कुंडे पकड़ते हो तो वो कुंडे को पकड़ने पर तो पूरा संपूर्ण कड़ाई आ जाता है, क्लियर। दो कुंडे, ये भी असच्चन एक कुंडे और महासूचक दो कुंडे, सेकंड कुंडा, ठीक है। इसको ले लिया, ये गीता क्या है? कड़ाई। इसमें है क्या? हलवा, और पूरा घी घी वाला, पूरा सॉलिड सॉलिड, हाथ में भी लोगे तो भी घी, ऐसे ही। अर्थ क्या है? अमृत है, गीता अमृत, इसके जो कड़ाई है, ठीक है। ये अंत कड़ाई, और एक कड़ाई भी है, क्या? पहला अध्याय का पहला सूत्र क्या है? धर्म, और लास्ट अध्याय का लास्ट श्लोक क्या है? ममा। उस समय देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ठीक है। धर्म ममा, मम धर्म कह रहे, इसको बला बले कह रहे, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिमा शुचः। तो भगवान शंकराचार्य ने सुंदर भाष्य दिया है इसमें, ये मनुष्य अपने ही कर्मों अज्ञान के कारण जो शरीर को ही मैं मान लेता है, ये भगवान के समर्पण संपूर्ण ज्ञान से ही मुक्त होता है, ये बताया। अब कहते हैं किसको सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए। चार लोगों को मत सुनाओ, डायरेक्ट बोलो। मगर कहते हैं इन चार, इस श्लोक का थोड़ा सा गलत अर्थ ले लिया जाता है और इसको सही अर्थ नहीं समझते हैं। कहते हैं ये क्या बात है, हम सुनना चाहते हैं और उसको मना कर रहे हैं। मना कहते हैं, तुम अगर सुनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, भक्ति है ना, तब सुनो। चार लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। कौन है? इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रुषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयते आतपस्काय। जिसने तपस्या नहीं किया, जिसके अंदर इंद्रिय संयम नहीं है, जिसके अंदर सहिष्णुता नहीं है, उसको मत सुना। जो सहिष्णु है, जो तपस्वी है, उनको ही तुम सुना, और बाकी लोगों को मत सुना। इंद्रिय संयम होना चाहिए, अगर नहीं है तो मत सुनाओ। फिर न भक्ता है, जो भक्त नहीं है, जो जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, उनको भी मत सुनाओ। न च अशुश्रूषवे, अर्थात जिसने सेवा नहीं किया, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा अर्चन के रूप में, पूजा के रूप में, उनको मत सुनाओ। और जो अभ्यसित, जो ईर्ष्या करता है, जिसके अंदर ईर्ष्या भाव है, जिसके अंदर असूया भाव है, ऐसे लोगों को सुनाओ मत, क्योंकि कदाचन न पक्षम, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए ऐसे भक्तों को। शास्त्र में खुद उपनिषद में एक मंत्र है, वेद में ब्रह्म विद्या श्रुति, माने मंत्र है क्या, श्रुति आकर के कहती है किसको, ज्ञानियों को, ब्राह्मणों को, क्या बोलती है पता है? विद्या हवै ब्राह्मण आजगाम, खुद ब्रह्म विद्या मूर्ति बन करके ब्राह्मण के पास गए, माने ऋषि के पास, ब्राह्मण के पास गए, ये श्रुति के जाकर के क्या कह रही पता है? तुम लोग मुझे गुप्त रखना, क्या मूल श्लोक देखना, माम सेवधिष्ठि अहम अस्मि, तुम मुझे गुप्त रखना, ऐसे इसीलिए
गुप्त रखोगे तभी मेरे जो विद्या है फलीभूत होगी। जिसके अंदर दोष युक्त है, जिसके अंदर सरल शून्य है, तपस्याहीन है, उनके पास अगर मैं जाऊंगी मेरे फलयुक्त नहीं होगी, शक्ति युक्त वीर्य युक्त नहीं होगी, इसीलिए तुम उनको सुनाना मत। ये शास्त्र में वेद में वर्णन है। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को मत सुनाओ। फिर भगवान अभी आज के लिए जो लास्ट श्लोक है ना वो हम लोग देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। 68 मैंने जो तुमको बता दिया ना यमं परमं गुह्यं कहें कहें य इदं भी है तो आपके कीर्तन में क्या है इमं यमं परमं गुह्यं मत भक्ते सविधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैषस्य संशयः। यः जो मुझमें भक्ति मयि मने मुझमें परां भक्तिं कृत्वा मत भक्तेषु इदं परं गुह्यं अभिदास्यति जो मुझमें भक्ति रख करके दूसरे को बताएगा ना वो मेरे बहुत ही प्रिय है और मुझे प्राप्त करता हो। तो भगवान इस गीता शास्त्र के इतनी महिमा गाए और जो भक्ति के साथ सुनाएगा स्थापित करेगा निसंदेह वो मुझे प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी ये आपके लिए बताया ना हाँ और हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए भी है। तो क्या ना यही गीता जब आप सुन रहे हो ना आप दूसरे को बताओ कि गीता सुनो, आपका काम बताना है। वो आए कि ना आए अलग बात, अगर आप बताओगे तो ही भगवान खुश। गीता का इसलिए गीता का प्रचार गीता का किताब बांटना है। कोई एक आपके बर्थडे हो आपके तो बांटना है। डॉक्टर शैली करती वो खुली गीता लेती है और कहीं कहीं इंग्लिश कहीं हिंदी बस देती करना है। हर एक दो महीने में देखता हूँ वो लेते हैं। गुड ये जो छोटी गीता है ना ये ठीक है प्रचार करने के लिए और उनको समझना है उनको पढ़ना है उनको जीना की गीता में क्या है। विदेश की कोई एक जगह सेंटर में है वो जो स्वामी सिद्धानंद जी आए थे वो बता रहे थे कि हमने बड़े बड़े जो होटल है उस होटल में कुछ रूम है उनको गीता दिया बहुत कम 50% में दे दिया तो उन्होंने लिया सब रूम में रखा। और ऐसे कई लोगों के एक्सपीरियंस है क्या उसको पढ़ करके वो CCM के जो एड्रेस है ईमेल है उसमें देते हैं रियली ब्यूटीफुल बुक तो वो फिर अमेज़न से मंगाते हैं। सोचो इंस्पायर तो वो भी भगवान के भक्त प्रिय होंगे। तो हमें ये संकल्प करना और स्टडी क्लास में अटेंड करके अगर आप ले पाओगे क्लास स्कूल में जाकर के बता पाओगे जिसके घर में भी जा रहे हो गीता बता पाओगे कोई एक फंक्शन है तो चलो गीता पाठ करते हैं तो ऐसे गीता का प्रचार। तो भगवान ने अपना प्रवचन दे दिया अभी और 2 दिन है क्या बताएंगे हम लोग देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।